गाइज, आप लोगों को याद होगा कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में बताया था और एक न्यू ऑफर के बारे में भी बताया था जो कि गेम के अंदर आने वाला है। और ये एक लेजेंडरी स्ट्राइकर का ऑफर है। इस लेजेंडरी स्ट्राइकर का नाम है वोल्केनिक स्ट्राइकर। और साथ में मैंने आपको बताया था जैकपॉट ऑफ द मंथ वाले इवेंट के बारे में। ये नेक्स्ट जैकपॉट का इवेंट होगा और इसके अंदर हमें क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं सारी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दी थी। लेकिन गाइज, इस इवेंट के साथ तीन और नए इवेंट्स आने वाले हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कल मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था तो मैं आपको नहीं बता सका, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा टूर्नामेंट चल रहा है ग्रीन लैंड्स ऑफ कैरम पूल। अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई दिस इज जामोट पर जाकर वो टूर्नामेंट भी देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग अभी तक। तो यहाँ पर गाइज तीन जो नए इवेंट्स आने वाले, जैसे कि ये जो जैकपॉट का इवेंट है ये 22 तारीख को आएगा गेम के अंदर, तो एक और इवेंट है जो कि 22 तारीख को ही गेम के अंदर आने वाला है। तो वो गाइज इवेंट होगा डेली रश का इवेंट, 22 तारीख को आएगा गेम के अंदर और 25 तारीख तक गेम के अंदर रहेगा तकरीबन 3-4 दिन। और इस डेली रश वाले इवेंट की खासियत ये है कि आप इसको हर दिन कंप्लीट कर सकते हैं। जितने दिन भी ये गेम के अंदर रहेगा हर दिन इसके रिवॉर्ड्स रिफ्रेश हो जाते हैं और दोबारा से आप इसको कंप्लीट करके रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। और इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो सब लोग जानते हैं कि भाई इसके अंदर हमें फ्रेंजे के चेस्ट देखने को मिलते हैं। और गाइज मैं एक चीज़ अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो डेली रश वाला इवेंट है ना भाई, ये फ्रेंजे का बेस्ट इवेंट है। अगर आप फ्रेंजे के स्ट्राइकर्स और पक्स अनलॉक करना चाहते हैं तो डेली रश वाला इवेंट सबसे बेस्ट है। तो गाइज एक तो हो गया डेली रश वाला इवेंट जो कि 22 तारीख को आएगा, उसके बाद गाइज आने वाला है वीकेंड चैलेंज का इवेंट जो कि 25 तारीख को आएगा गेम के अंदर। ठीक है, 25 तारीख को डेली रश वाला इवेंट एंड हो जाएगा लेकिन जैकपॉट वाला इवेंट चल रहा होगा। और साथ में 25 तारीख को जो है ना वीकेंड चैलेंज का इवेंट आने वाला है गेम के अंदर। ये इवेंट कुछ खास नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये इवेंट पहले भी बहुत बार आ चुका है। इसके रूल्स भी मतलब ईजी हैं, आप नॉर्मल गेम प्ले करेंगे तो आपके पास इवेंट भी कम्प्लीट होगा। और इसके रिवॉर्ड्स तो मतलब कुछ खास नहीं है। इसके अंदर भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमें इसके अंदर फ्रेंजे के ही चेस्ट मिलते हैं। लेकिन गाइज जो तीसरा इवेंट है जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है 2SS2 राइवल्स का इवेंट। ये इवेंट 2SS2 राइवल्स का 28 तारीख को आने वाला है गेम के अंदर और 31 तारीख तक गेम के अंदर रहेगा। और 31 तारीख को 2SS2 राइवल्स का इवेंट प्लस जैकपॉट ऑफ द मंथ वाला इवेंट दोनों जो है गेम से चले जाएंगे। गाइज मैं इस इवेंट के लिए एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि एक तो इस इवेंट को कंप्लीट करने का जो मेथड है, जो रूल्स हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। हमें अपने फ्रेंड्स के साथ गेम प्ले करना पड़ता है। और दूसरा मैं एक्साइटेड हूँ भाई, इसके अंदर हमें लाइटनिंग स्ट्राइकर के पीसेस मिलते हैं। बहुत ही जल्दी हमारे पास जो लाइटनिंग स्ट्राइकर है वो भी मैक्स हो जाएगा। एक दो बार और हम इस इवेंट को कंप्लीट करेंगे तो लाइटनिंग स्ट्राइकर पूरा मैक्स हो जाएगा हमारे पास। तो गाइज ये थे तीन नए इवेंट्स जो कि इसी मंथ हमें गेम के अंदर देखने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और टूर्नामेंट देखना चाहते हो तो भाई दिस इज जामोट सर्च कर लेना यूट्यूब पर, या हमारे चैनल पर चले जाओगे तो चैनल्स में आपको हमारा सेकंड चैनल भी मिल जाएगा। तो उस टूर्नामेंट में जाकर आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। सभी वीडियोस के नीचे गिवअवेज भी चल रहे हैं, आप लेजेंडरी स्ट्राइकर्स और पक्स वगैरह भी विन कर सकते हैं। बाकी गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।